गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा आठवीं कक्षा के हिंदी का ग्रामर का ये आठवां टॉपिक है और सातवां टॉपिक जो था वो लिंग परिवर्तन था और ये आठवां टॉपिक जो है वो वचन परिवर्तन है। लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन जिस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हम देखते थे, उसी तरह वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन, जिसको लिंग परिवर्तन के नियम याद रह गए होंगे उसके लिए ये वचन परिवर्तन को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपको इसकी व्याख्या बताती हूँ कि विकारी शब्दों के जिस रूप से, विकारी शब्द हमने दो शब्द देखे थे, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी प्रॉपर शब्द मोर, जिसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा शब्द जो अविकारी है। विकारी शब्द जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं इसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन में से दो वचन बनाना है, वचन का पूरा परिवर्तन यानी कि विकारी शब्द है, परिवर्तित हो सकता है ये शब्द, इसीलिए उसको विकारी शब्द कहा गया है। जो शब्द परिवर्तित हो सकते हैं उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का, किसका बोध? संख्या का। वहाँ हमें किसका बोध होता था? लिंग का। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग की वजह से हमें उसकी क्रिया का पता चल जाता था। जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया था कि दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, तो खुला खुली क्रिया का हमें बोध हो जाता था, इसी तरह यहाँ हमें संख्या का बोध होता है। वचन की वजह से हमें संख्या का बोध होता है, एक है, दो से ज़्यादा है, तो हमें इस संख्या का बोध कराने वाला जो शब्द है, संख्या का बोध कराने वाला शब्द है उसको हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या का बोध कराने वाला जो शब्द बनता है उसको हम वचन कहते हैं। दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, जिस तरह से लिंग में दो लिंग थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसी तरह वचन परिवर्तन में दो ही वचन आते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है? लड़का, तो किसी एक लड़के की बात हो रही है, लड़का, दरवाजा, नदी आदि। लड़का यानी एक, दरवाजा यानी एक, नदी यानी एक, पर एक वचन में से हमें बहुवचन बनाना है तो कौन सा नियम लागू पड़ता है, कौन सा प्रत्यय लगता है, जिसकी वजह से एक वचन में से, जिस तरह से हमने देखा था कि लिंग परिवर्तन में आनी नी जैसे प्रत्यय लगाने से वो पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बन जाता था, इसी तरह यहाँ एक वचन में से बहुवचन बनाने में हमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ता है, कौन सा शब्द जोड़ना पड़ता है जिसकी वजह से एक वचन में से वो बहुवचन, जिस तरह से यहाँ लड़का, तो आ जो है, आ लड़का, तो लड़का आ में ए हो जाने से लड़के क्या हो गया? ए। आ, आ को ए में परिवर्तित हमने कर दिया तो एक वचन में से क्या हो गया यहाँ पे? बहुवचन। लड़का तो लड़के, दरवाजा एक वचन तो दरवाजे ए हो गया, नदी एक वचन तो नदी या आदि शब्द, लड़की तो लड़की या आदि शब्द, एक वचन में से हमें बहुवचन करना है तो किस तरह से प्रत्यय को हम जोड़ते हैं और प्रत्यय के जोड़ने के बाद किस तरह से एक वचन में से वो बहुवचन बन जाता है। शब्दों के बहुवचन बनाने के कई सामान्य नियम हैं। एक शब्द जो होता है उसको एक वचन में से बहुवचन, जिस तरह से स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग बनाने के नियम थे, किस तरह से स्त्रीलिंग शब्द में से पुल्लिंग बनते थे और पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द बनते थे, उसी तरह एक वचन में से ए बहुवचन बनाने के कई सामान्य नियम है। पुल्लिंग शब्द, जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ स्वर आते हैं, वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। पहला नियम है, आपको याद रखना होगा तो ही आप इसको समझ सकेंगे, वरना आप इसको नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मैं आपको दूसरी बार ये लाइन दोहराती हूँ कि शब्दों को बहुवचन बनाने के जो सामान्य नियम है उसमें पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द हमने आगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखे, ये वचन जिस तरह से मैंने आपको कहा उपसर्ग और प्रत्यय
को आप एक दूसरे को किस तरह से समझ सकते हैं, उसी तरह लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन को भी आपको समझना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द, जीन पुल्लिंग शब्द के अंत में अ ई ई उ स्वर आते हैं, वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, वो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे घर क्या आया अ, मित्र क्या आया अ, पेड़ क्या है उसके अंत में अ, शब्द कैसे है पुल्लिंग शब्द है, घर कौन सा शब्द है पुल्लिंग शब्द है, मित्र कौन सा शब्द है पुल्लिंग, पेड़ कौन सा है पुल्लिंग। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पेड़, पेड़ का और लता का, लता क्या था स्त्रीलिंग, पेड़ क्या था पुल्लिंग, संत क्या है पुल्लिंग, कवि क्या है पुल्लिंग, कवि पुल्लिंग है, कवियत्री स्त्रीलिंग है, कपि, कपि क्या है पुल्लिंग, कपि यानी वानर, संस्कृत शब्द है कपि, कपि यानी वानर क्या है पुल्लिंग, हाथी क्या है पुल्लिंग, क्या है इसमें दीर्घई, क्या है उसमें ह्रस्वई, पक्षी क्या है दीर्घ ई, आदमी क्या है दीर्घ ई, पशु क्या है दीर्घ अश्व उ, तरु क्या है उ, गुरु क्या है उ, डाकू क्या है उ, भालू क्या है उ आदि। हमने देखा पुल्लिंग शब्द, वापस मैं कह दूँ, पशु पुल्लिंग है, तरु शब्द पुल्लिंग शब्द है, गुरु पुल्लिंग है, डाकू शब्द भी पुल्लिंग शब्द है, भालू जिसको हम गुजराती में रीछ कहते हैं भालू ये भी पुल्लिंग शब्द है, आदि पुल्लिंग शब्द में क्या लगेगा अ अ, आ नहीं अ, ई ई उ उ, पांच ही स्वर की बात की गई है, दूसरा नहीं, पांच ही स्वर की बात की गई है। पुल्लिंग शब्द के अंत में जहाँ लगता है वो वचन परिवर्तन में एक ही रहते हैं, उसको एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तब भालू ओ नहीं पर भालू जो है जैसा है वैसा ही शब्द वहाँ रहेगा, एक वचन में भी वो भालू ही रहेगा और बहुवचन में भी वो भालू ही रहेगा। तो ये जो पुल्लिंग शब्द, हाँ वापस कहती हूँ, पुल्लिंग शब्द के अंदर अ ई ई उ आता है तो वो शब्द जो है वो वचन परिवर्तन में समान रहता है। उसके बाद का नियम है अकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ, जो अंत का आ स्वर जो है वो ए में बदल जाता है, अंत का जो आ है वो जैसे कि ल ड का क्या है वो आ, अंत का ल ड का क्या है आ, अकारांत पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग है, लड़का क्या है पुल्लिंग, पर कैसा है अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन हम पढ़ रहे हैं, वचन परिवर्तन हम लिंग परिवर्तन नहीं पढ़ रहे पर दोनों कनेक्ट है। तो यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्दों का, ये लड़का पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का जब हम बहुवचन करेंगे, जब हम उसको बहुवचन बनाते हैं तब हमें क्या ध्यान में रखना है, उस समय अंत का जो आ है आ स्वर जो है वो ए में बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है ए में, किस में बदल जाता है ए में बदल जाता है, जैसे कि लड़का तो लड़ के एक से ज़्यादा ल ड के, ए लड़का तो लड़के, लड़का तो लड़के, यहाँ संख्या की बात हो रही है लिंग की बात नहीं हो रही है, इसीलिए मैं वापस कहती हूँ आ पुल्लिंग शब्द जो है उसमें आ का उच्चारण होता है तो वो ए हो जाएगी, हो जाएंगे लड़का तो लड़के, यहाँ लड़का खड़ा है यहाँ वहाँ कई लड़के खड़े हैं तो लड़का में से क्या हो गया लड़के, कई लड़के खड़े एक से ज़्यादा संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन जब हम बनाते हैं तो उस समय में अंत का जो आ है उस स्वर को ए में परिवर्तित करना है तो लड़के का क्या हो जाएगा, लड़का का हो जाएगा लड़के। आगे जो है आगे का
जो नियम दिया गया है वो है स्त्रीलिंग शब्द। ये पुलिंग शब्द था, क्या था? पुलिंग, लड़का क्या था? पुलिंग। अब आता है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द अकारांत स्त्री शब्दों का बहुवचन बनाते समय, अकारांत यानी अ, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत का अ स्वर का ए में बदल दिया जाता है, अ को ए में। यहाँ क्या था? आ जो है उसको ए में बदल दिया जाता था। ये कौन से शब्द थे? पुलिंग। ये कौन से शब्द है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ये कौन से शब्द है? स्त्रीलिंग। ये कौन से शब्द थे? पुलिंग शब्द में आ, अंत का आ ए में बदल जाता था। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द में अंत का ए भी ए में बदल जाता है, बदल जाता है, स्वर का ए में बदल दिया जाता है। जैसे कि म शी न क्या हुआ? अ, अंत में क्या है? अ, तो क्या हो जाएगा? मशीन में से म शी ने, मशीन में से क्या हो जाएगा? मसी ने। क्या आ गया यहाँ अंत में? ए, स्त्रीलिंग शब्द है। मशीन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो मशीन, तो मशीने। पुस्तक, मेरी पुस्तक, हम क्या कहते हैं? मेरी पुस्तक है। तो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुस्तक में से क्या हो जाएगा? पुस्तक। क्या आया? पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। अ जो है तो पुस्तके, किसमें परिवर्तित हो गया? ए में। पहला नियम था उसमें क्या था? पुलिंग शब्द आ, पुलिंग शब्द आ में आ को ए में बदल दिया जाता था। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द अ में से ए में बदल दिया जाता है, यानी स्त्रीलिंग या पुलिंग शब्द में के द्वारा हम लिंग वचन परिवर्तन को समझ सकते हैं। जैसे कि मशीन एक वचन शब्द है स्त्रीलिंग, तो ए लगाने से वो बहुवचन मसी ने। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन शब्द है, अ लगाने से पुस्तक के, ए लगाने से पुस्तक के बन जाती है। इसी तरह हम आगे देखेंगे झील, तो झीले जी ल स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा? झीले, झीले यानी संख्या का, एक से ज़्यादा संख्या का हमें वहाँ बोध होता है। क्या होता है वहाँ पे? हमें संख्या का, एक से ज़्यादा संख्याओं का बोध होता है। आगे का नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, वहाँ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द था झील, क्या था? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। अब आ जाता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के एक जो है ओ ए में परिवर्तित करने से ओ एक वचन में से बहुवचन बन जाए। आ जो है आ, उसको हम ए में परिवर्तित कर देंगे तो वो पाठशाला, जिस तरह से पाठशाला, क्या है यहाँ? आ, पाठशाला। तो क्या हो जाएगा इसमें? पाठशालाए, पाठ शा ला ए, पाठशाला। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें ए लगाने से ओ बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। हमें पाठशाला एक से ज्यादा संख्या का बोध कराता है, पाठशाला हमें एक ही संख्या का बोध कराता है, पर पाठशाला ये तो एक से ज्यादा संख्या का बोध हमें होता है। हम किसी को कुछ वाक्य के द्वारा समझाना चाहते हैं तो वचन परिवर्तन के अंदर उस संख्या का हमें उसे बोध कराना है। जिस तरह से लिंग परिवर्तन में हमें उस संज्ञा का बोध कराना होता था तो हम लिंग को पहचाने तब हम उसको बोध करा सकते थे, उसी तरह यहाँ पाठशाला आ किस में परिवर्तन हो जाएगा? ए। यहाँ जो चंद्र बिंदी है वो हमें उच्चारण किस तरह से करना, जहाँ चंद्रबिंदी ए के ऊपर आती है वहाँ उनका उच्चारण जो है वो हल्का फुल्का हो जाता है। जिस तरह के पाठशाला ए, वहाँ माला ए तो उसका उच्चारण ऊंचा हो, थोड़ा ऊंचा होता था, पर यहाँ पाठशाला
ए, यानी कि उच्चारण जो है चंद्र बिंदु की वजह से हम उच्चारण उनका हल्का फुल्का कर सकते हैं। यहाँ और संस्था, तो संस्था ए, संस्था क्या है यहाँ, आ, तो बहुवचन संस्था स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन करना है तो संस्था ए, तो क्या हो गया यहाँ बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है संस्था, आ लगाने से बहुवचन में ए लगा देने से वो बहुवचन हो जाता है, आ की जगह ए लगा देने से क्या हो जाता है वो बहुवचन शब्द हो जाता है। आपको हर एक नियम याद रखना होगा तब जाकर आप वचन परिवर्तन को पहचान सकोगे, वरना आपको वचन परिवर्तन समझ में नहीं आएगा, जिस तरह से मैंने आपको लिंग परिवर्तन में कहा था। उसके बाद है नियम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत पहले हमने देखा पुल्लिंग शब्द, उसके बाद हमने देखा स्त्रीलिंग शब्द में अ को आ में परिवर्तित कर देने से ए हो जाता था, आ को ए में परिवर्तित कर दिया जाता था, उसी तरह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय उसमें या क्या जोड़ दिया जाता है, या, इकारांत स्त्रीलिंग हस्वई है, क्या है ये हस्वई, इकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उसमें या जोड़ दिया जाता है, जैसे कि जाति, क्या है हस्वई जाति, तो उसमें या जोड़ने से, उसमें या जोड़ने से क्या हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा जातियाँ, ये जाति क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें ई की जगह ई के बाद या जोड़ने से, या प्रत्यय लगाने से वो एक वचन में से बहुवचन हो जाता है, जाति हस्वई, क्या है ये हस्वई जाति, तो जातियाँ, या लगाने से जाति या नहीं बन जाती, या बोलने में उसका उच्चारण जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद है पंक्ति, कौन सा शब्द है पंक्ति, क्या है ये हस्वई हस्वई, तो क्या हो जाएगा पंक्ति या, क्या जोड़ा जाएगा उसके पीछे या, पंक्ति या, पंक्ति तो पंक्ति या। उसके बाद प्रति, प्रति तो क्या जोड़ा जाएगा प्रति या, प्रति स्त्रीलिंग शब्द एक वचन है, उसमें इकी बाद या जोड़ने से, इके बाद या जोड़ने से ओ एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, ये कौन से शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या जोड़ देने से, यही शब्द में सिर्फ या जोड़ना है, परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ इसके पीछे या जोड़ देने से वो क्या हो जाता है बहुवचन, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाता है बहुवचन हो जाता है। उसके बाद का शब्द जो है इकारांत स्त्री, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत की दीर्घ ई को, अंत की दीर्घ ई को, अंत लास्ट की दीर्घ ई को हस्व ई, दीर्घ ई को हस्व ई में बदलकर उनमें या लगाया जाता है, ये दीर्घ ई को हस्व ई में बदलकर या लगाया जाता है, दीर्घ ई को हस्व ई में बदलने के बाद या लगाया जाता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से शब्द है, दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत कौन से शब्द है स्त्रीलिंग शब्द का, जब हम बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ ई को हम क्या करेंगे, उसको दीर्घ ई को पहले हस्व ई में बदलेंगे और उसके बाद उसके पीछे या लगाएंगे तो वो एक वचन में से क्या बन जाएगा बहुवचन, जिस तरह से मैं आपको समझाती हूँ ल ड की, यहाँ की क्या है दीर्घ ई है, लड़की
दीर्घ ई को ह्रस्व ई में परिवर्तन करना है, तो ल ड की, ल ड की क्या किया हमने यहाँ, ह्रस्व ई किया लड़की, और उसके पीछे क्या लगाया, या, तो क्या हो गया लड़कियां, लड़की यानी एक वचन, लड़कियां यानी बहुवचन। स्त्रीलिंग शब्द में दीर्घ ई की जगह हमें परिवर्तन करना, ह्रस्व ई करना है और उसके बाद या लगाना है। आगे हमने देखा तो सिर्फ हमें स्त्रीलिंग शब्द इकारांत में या लगाने से हम पुल बहुवचन बनाते थे, जाति तो जाति हमने परिवर्तन नहीं किया था, पर यहाँ क्या है, कहीं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई में परिवर्तन करने के बाद ही या लगाया जाता है, लड़की, तो लड़कियाँ, गाड़ी, गाड़ी क्या है यहाँ, ये डी क्या है, दीर्घ है, तो उसको हमें बहुवचन में देखना है, तो क्या करेंगे हम, गा डी या, डी को पहले हम ह्रस्व ई करेंगे और उसके बाद या लगाएंगे, और गाड़ी तो गाड़ी या। आगे का जो नियम है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, उकारांत, इकारांत नहीं, सिर्फ उकारांत, उ भी कैसा ह्रस्व उ भी कैसा ह्रस्व उ, उकारांत स्त्री लिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय, बहुवचन में परिवर्तित करते समय शब्द के अंत में सिर्फ ए जोड़ दिया जाता है, जिस तरह से रु तू क्या है, उ ह्रस्व है, रु तू, तो ऋतु क्या क्या हो जाएगा, रु तू ए, ऋतु का ऋतु ए, यहाँ वापस कहते उकारांत, उ ह्रस्व है उकारांत, स्त्रीलिंग शब्द कैसा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द हम शब्दों कहा बहुवचन बनाते समय, एक वचन में से जब बहुवचन बनाते हैं उस समय शब्द के अंत में क्या करना है, मात्र, सिर्फ, ए जोड़ दिया जाता है, तो वो शब्द में परिवर्तन आ जाता है, एक वचन में से वो बहुवचन में बदल जाते हैं, उ जो है ह्रस्व उ में ए, यहाँ क्या है ए, तो ऋतु तो ऋतु ए, वस्तु वस्तु, ये क्या है उ, तो क्या हो जाएगा, वस्तु ए, क्या आया, वस्तु में सिर्फ ए जोड़ना है, ए जोड़ना है, वस्तु जो दिया गया शब्द है उसमें ए जोड़ने से, ओ यहाँ विकारी शब्द है वस्तु, इसमें ए जोड़ दिया जाता है, तो उस वस्तु में वचन परिवर्तन, वचन हो, एक वचन में से वो दो वचन में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद का शब्द है, उसके बाद जो है उकारांत स्त्री शब्द बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ उ को, अंत के दीर्घ उ, पहले क्या था ह्रस्व, दीर्घ उ को ह्रस्व उ में, दीर्घ उ को किस में, तो के ह्रस्व उ में बदल कर उनमें ए जोड़ दिया जाता है, उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, एक वचन में से बहुवचन, जिस तरह से बहु क्या है, दीर्घ उ बहु, तो उसका बहुवचन करने के लिए बहु क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ह्रस्व उ और उसके बाद शब्द बनेगा बहु ए, कौन सा लगेगा ए, उ दीर्घ उ को उ में परिवर्तन करने के बाद ए लगाने से उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा, एक वचन में से ए बहु जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें उ
की जगह हम ऊ कर देंगे और ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुए, एक वचन में से डायरेक्टली बहुवचन हो जाएगा। जिस तरह से ई की जगह, दीर्घ ई की जगह हमने देखा, ई कर देने से क्या हो लगाना पड़ता था, या लगाया जाता था, तो क्या हो जाता था हमने आगे देखा ना, दीर्घ ई की जगह ल ड की, दीर्घ ई की जगह ल ड की या, तो यहाँ क्या ई कर देने से या लगाया जाता था। उसी तरह यहाँ ऊ की जगह ऊ कर देने के बाद ए लगाने से बहुवचन हो जाता है, वो उसका परिवर्तन हम कर सकते हैं। आगे का जो नियम है, इसके बाद झाड़ू जो है इसमें और शब्द है जा डू, क्या है वो दीर्घ उ, उसका बहुवचन करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, जा डू और झाड़ू और उसमें क्या लगाना होगा, बाद में शब्द निकलेगा ए लगाना होगा, क्या ए, तो क्या हो जाएगा झाड़ू ए। सुकारण स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ उ को अश्व में बदल कर उनमें ए जोड़ दिया जाता है, बहु तो बहुए, झाड़ू तो झाड़ूए। लास्ट नियम बाके ओ आपको समझाती हूँ कि किस तरह से वचन परिवर्तन में लिंग परिवर्तन के अंदर अ की जगह आ लगाने से एक वचन में से बहुवचन हो जाता है, स्त्रीलिंग में से स्त्रीलिंग को उ में बदल कर किस तरह से वचन में परिवर्तन हो जाता है। इसमें लास्ट है उकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं, हमने सभी स्त्रीलिंग के नियम जो देखे, आगे मैंने पुल्लिंग के नियम के बारे में आपको बता दिया था, तो वो साधु का साधु ही रहेगा, साधु तो क्या रहेगा, साधु, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है और कैसा है, उकारांत है, और उकारांत तथा दीर्घ उ पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदल, शिशु तो शिशु ही रहेगा, डाकू तो डाकू ही रहेगा। हमने आठवें लेक्चर में देखा वचन परिवर्तन, उसके कई उदाहरण हैं, जब हम क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको लिंग परिवर्तन के उदाहरण और वचन परिवर्तन के कई उदाहरण जो है वो लिखाऊंगी और समझाऊंगी। आप पाठ्यपुस्तक के तीसरे पेज के ऊपर वचन परिवर्तन का टॉपिक है वो घर पे उसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।